जंगल का यह दृश्य संघर्षों की कहानी है। वाइल्ड लाइफ, जंगल के पशु कैसे जीते हैं, आप इन वीडियोस में देखेंगे। आपसे आग्रह है कि कृपया देखें भी और सब्सक्राइब और लाइक भी करें। ये बारहसिंगे की जिंदगी लंबे लंबे सर पे सिंह इनकी जिंदगी की कहानी कह रही है। हरे भरे पेड़, इन बारह सिंहों की जिंदगी में ये सिर बने ही होते हैं संघर्ष के लिए। और ये गजराज मतवाले हो चले, इन हाथियों का संघर्ष तो देखिए। जंगल विचित्रताओं से भरा हुआ है, इन विचित्रताओं में इन बारह सिंहों का अद्भुत युद्ध आपको आश्चर्य भर देगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के कंगारू युद्धरत है। दो पैरों के सहारे ये खड़े हो जाते हैं और फिर युद्ध की विवेचना शुरू होती है, युद्ध का संचालन शुरू होता है। कंगारुओं का युद्ध है, कंगारुओं का फाइट देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन मूक पशुओं की आवाज आप तक पहुंच सके।
इस तरह से दो पिछले पैरों से यह वार करते हैं, और उन्हीं पिछले पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं। कंगालों की जिंदगी, एक अजूबे से कम नहीं। इनके फाइट करने के तरीके को देखिए, इन कंगारों की जिंदगी। और फिर ये बारिशेंगे बर्फीले मैदानों में, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है,
श्री राघवेंद्र राय नमः। आप देख रहे हैं रेंडियर्स। ये रेंडियर्स रहते कहाँ हैं? एक्चुअली उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की जो बर्फीले मैदान हैं, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर ये रेंडियर्स रहते हैं। इन लोगों का स्वाभाविक नेचुरल हैबिटेट मीन्स रहने का स्थान बर्फ है। इसे देख करके आप आश्चर्य न करें, इनमें बर्फ की थपेड़ों को सहने की बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है और इनका शरीर इसीलिए बना ही होता है कि ये बर्फ में रहें। और इनका लोग बर्फ में रहने वाले लोग इन लोगों को घोड़ा बना करके भी रखते हैं और इनका शिकार करके अपना भोजन यापन भी चलाते हैं। रेंडियर्स की ब्यूटी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरह से ये वीडियो आपको दिखला रहा है। और पर्यावरण मित्रों, अगर ये रेंडियर्स आपको अच्छे लग रहे हैं जो कि बर्फीले प्रदेशों में मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, जहाँ टेम्परेचर -80-90 से भी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ही रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल प्रकृति के प्रति